यूसक लेक्चर सीरीज में मैं अनुराधा ध्यानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे लेक्चर का विषय है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई पी। इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर अनीता तोमर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर से यहाँ आए हैं। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा ध्यानी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विच आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट आर ऑफ डिग्री हायर देन वन। तो सबसे जनरल इक्वेशन हमारे पास हायर डिग्री की है डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन माइनस टू प्लस डैश 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 ए एन माइनस वन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को पी से डिनोट करें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी रेस्ट पर एन प्लस ए वन पी एन माइनस वन प्लस ए टू पी रेस्ट पर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन पी प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए वन ए टू ए एन एक्स और वाई के फंक्शन हैं। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो इक्वेशन जिनको हम पी की टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास दी हुई इक्वेशन को हम पी की टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम फैक्टराइज करें तो उसके एन लीनियर फैक्टर्स आएंगे और जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी पी माइनस क्यू वन एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू टू एक्स वाई माइनस इंटू पी माइनस क्यू एन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर हम इस हर फैक्टर को जीरो के बराबर इक्वेट करें तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी और हर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो वन होगी। अगर हम हर इक्वेशन को सॉल्व करें अलग अलग तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप सभी जानते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करी है, उन मेथड्स को लगाकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हर इक्वेशन का अलग अलग सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे पी माइनस क्यू वन एक्स वाई का सोल्यूशन आ जाएगा एफ वन एक्स वाई सी वन इक्वल टू जीरो, पी माइनस क्यू टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन आ जाएगा एफ टू एक्स वाई सी टू इक्वल टू जीरो, इसी तरह से पी माइनस क्यू एन एक्स वाई इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन आ जाएगा एफ एन एक्स वाई सी एन इक्वल टू जीरो, जहां पर सी वन सी टू सी एन हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर हम सी वन सी टू सी एन को एन से रिप्लेस सी से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा एफ आई एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जहां पर आई की वैल्यू वन टू एन है। अगर हम सारे सोल्यूशन को कंबाइन करें तो हमारे पास जो सिंगल कॉम्पोजिट सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा एफ वन एक्स वाई सी एफ टू एक्स वाई सी डैश 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 एफ एन एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल हम दिखा लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ट्वेल्व के हो जाएंगे थ्री फोर सा ट्वेल्व और थ्री और फोर सेवन, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे पी माइनस थ्री इंटू पी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो या तो पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा या पी माइनस फोर इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम पी माइनस थ्री को जीरो लेते हैं तो पी इक्वल टू थ्री आ जाएगा। अगर हम पी माइनस फोर इक्वल टू जीरो लेते हैं तो पी इक्वल टू फोर आ जाएगा। p इक्वल टू थ्री को अगर हम सॉल्व करते हैं तो p हमको पता है p की वैल्यू होती है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हो जाएगा 3, यानी कि dy इक्वल टू 3dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस c। अगर हम p इक्वल टू 4 लेते हैं तो p इक्वल टू 4 अगर p की वैल्यू dy अपॉन dx है तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 4 और इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस c। तो अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं y इक्वल टू 3x प्लस c और y इक्वल टू 4x प्लस c तो हमारे पास सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस 3x माइनस c इंटू y माइनस 4x माइनस c इक्वल टू जीरो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम सॉल्व करें एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री टू की। ऑर्डर इसका वन है और डिग्री टू है। अगर हम पी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको फैक्टराइज करें ब्रैकेट्स को खोलने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
एक्स पी प्लस वाई इंटू वाई पी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू जीरो या वाई पी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो p की जगह अगर हम dy अपॉन dx लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू जीरो और y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर हम इसको dx से मल्टीप्लाई करें तो हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी x dy प्लस y dx इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y dy प्लस x dx इक्वल टू जीरो। तो पहली इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे बाय इंस्पेक्शन हम देख सकते हैं कि dxy इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी वन। अगर हम दूसरी टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो y dy का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर अपॉन टू और x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन टू और आगे हमारा आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन टू प्लस y स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी। टू सी की जगह हमने लिख दिया है सी टू, यानी कि हमारे दो सॉल्यूशंस बन आ गए एक्स वाई इक्वल टू सी वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू, जहां पर सी टू हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी टू इंटू एक्स वाई माइनस सी वन इक्वल टू जीरो। अब हम इक्वेशंस लेते हैं जिनको हम वाई की टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम y के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू f, f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड p। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx और f क्योंकि हमारा x और p का फंक्शन है तो इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, विच इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन टू वेरिएबल्स x एंड p। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा सॉल्यूशन सपोज phi x p c इक्वल टू जीरो आ जाएगा जहां पर c एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन वन है यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स पी तो उसका जो सोल्यूशन होगा उस वो हम वी कैन ऑब्टेन इट बाय इलिमिनेटिंग p बिटवीन द इक्वेशन वन विच इज y इक्वल टू एफ एक्स पी एंड द इक्वेशन फाइव एक्स पी सी इक्वल टू जीरो। अगर हमारा p इलिमिनेशन का इलिमिनेट करना पॉसिबल ना हो तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं देन वन एंड टू टुगेदर मे बी कंसिडर्ड एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ वन विद p एज अ पैरामीटर। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगी अगर इक्वेशन में x ना हो तो हमारी जो इक्वेशन एफ वाई पी इक्वल टू जीरो होगी तो हम इसको p की टर्म में सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी p इक्वल टू एफ वाई, p हमारा होता है dy अपॉन dx तो ये इक्वेशन आ गई dy अपॉन dx इक्वल टू फाइव वाई। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं y की टर्म्स हम एक तरफ ले जाएंगे x की टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे और इसको इंटीग्रेट करना हमारा आसान हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है y स्क्वायर माइनस वन माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर यानी कि y इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी y के लिए सॉल्वेबल है यानी कि हम इसमें y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू वन अपॉन टू वन प्लस पी स्क्वायर की पावर अंडर रूट है तो यानी वन प्लस पी स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू, वन अपॉन टू हमारा आगे आ गया ये हो गया वन प्लस पी स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू माइनस वन तो यानी कि माइनस वन अपॉन टू, इसीलिए हमने इसको नीचे लिखा है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस की पावर वन प्लस पी स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू। वन अपॉन टू का मतलब होता है अंडर रूट और वन प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो और पी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू पी और p का डेरिवेटिव हो गया dp अपॉन dx। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू p हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा p अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp अपॉन dx। इन दोनों टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो p हमारा कॉमन है, हमारे पास बच जाएगा p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर dp अपॉन dx इक्वल टू जीरो। तो या तो p इक्वल टू जीरो होगा यानी या फिर हमारा 1 माइनस
वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स जीरो होगा। अगर हमारा पी जीरो होगा तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी वन। और अगर हम दूसरी क्वेश्चन को लेंगे वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि डी पी अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर। तो डी पी वाली टर्म्स हम एक तरफ ले जाएंगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा पी की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। इसका मतलब अगर इस पी की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, विच इज अ जनरल सोल्यूशन। और जो हमने अभी एक सोल्यूशन निकाला था वाई इक्वल टू वन, that is a singular solution as it cannot be obtained by giving a particular value to c। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं y plus px equal to p square x की पावर 4। इसको अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम px को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स 4। अगर हम p की जगह लिखते हैं dy अपॉन dx तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की जगह हमने लिख दिया है p, और आगे आ जाएगा माइनस p, px हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है तो इसको हम बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो माइनस p हो गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो उसके बाद माइनस x, p का डेरिवेटिव हो गया dp अपॉन dx प्लस 2p, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, x 4, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx प्लस उसके बाद p स्क्वायर एज इट इज, x की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 4x क्यूब। इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस 4p स्क्वायर x क्यूब प्लस x dp अपॉन dx 1 माइनस 2x क्यूब p इक्वल टू 0। और या अगर हम 2p कॉमन ले लें तो 2p हमारा कॉमन 1 माइनस 2x क्यूब p प्लस x dp अपॉन dx दोनों में से कॉमन 1 माइनस टू एक्स क्यू पी इक्वल टू जीरो। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 1 माइनस टू एक्स क्यू पी इंटू टू टू पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। इस केस में हमारा या तो 1 माइनस टू एक्स क्यू पी जीरो होगा या फिर हमारा 2 पी एक्स डी पी अपॉन डी एक्स जीरो होगा। तो 2p plus x dp upon dx equal to 0 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा dp upon dx equal to minus 2p upon x। इसमें हम p की टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और x की टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dp upon p equal to minus 2 upon x dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon p का इंटीग्रेशन होता है log p और उधर 1 upon x का इंटीग्रेशन होगा log x, क्योंकि हमारा दोनों टर्म्स में x log आ रहा है तो हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c की बजाय ले लेंगे log c। अगर इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो हमारा आ जाएगा log p प्लस 2 log x इक्वल टू log c। हमें पता है कि n log m होता है log m की पावर n, तो इसका मतलब ये हो जाएगा log p प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू log c, और log m प्लस log n होता है log mn, तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log p प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी। दोनों तरफ हमारा लॉग है, अगर एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, यानी p की वैल्यू आ गई c अपॉन एक्स स्क्वायर। इस p की वैल्यू को अगर हम गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स फोर इंटू एक्स फोर। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, पहली टर्म आ जाएगी माइनस सी अपॉन एक्स और दूसरी टर्म में x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा c स्क्वायर। तो x से अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर हम p को एलिमिनेट करते हैं इक्वेशंस में तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन 4 एक्स की पावर 6 इंटू एक्स 4, जो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, विच इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बिकॉज इट ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इन दिस सिचुएशन इन दिस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन दिस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट
Also, it cannot be obtained from the general solution xy equal to c square x minus c by giving any particular value to c. और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं इक्वेशन जिनको हम x के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और अगर हम उसमें x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x इक्वल टू एफ वाई पी। यहाँ पर हम f हमारा y और p का फंक्शन है और x में हमारी वैल्यू आ गई है। अगर हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास जो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा साई वाई पी सी इक्वल टू जीरो। एंड बाई इलिमिनेटिंग p फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। इफ इलिमिनेशन ऑफ p विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन इज कंबर्सम देन दिस इक्वेशन मे बी कंसिडर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद p एज अ पैरामीटर। इसको के लिए भी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x dy upon dx whole cube minus 12 dy upon dx minus 8 equal to 0। अगर हम dy upon dx की जगह p रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x p cube minus 12 p minus 8 equal to 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x p cube equal to 12 p plus 8 और x equal to 12 p plus 8 upon p cube। अगर हम इनको टर्म्स को दोनों को अलग अलग लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12p स्क्वायर प्लस 8p क्यूब। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy माइनस 2 1 अपॉन p स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 अपॉन p क्यूब और ये 12 तो है ही और p का डेरिवेटिव हो जाएगा dp अपॉन dy। विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और नेक्स्ट हमें 8 हमारा कांस्टेंट है, p 1 अपॉन p क्यू का डेरिवेटिव होगा माइनस 3 अपॉन p 4 और p का डेरिवेटिव dp अपॉन dy। क्योंकि हम dy अपॉन dx को p लिखते हैं तो dx अपॉन dy आ जाएगा 1 अपॉन p। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन p 12 इंटू 2 24 अपॉन p क्यूब dp अपॉन dy माइनस 8 3 जा 24 अपॉन p 4 dp अपॉन dy। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो dy आ जाएगा माइनस 24 अपॉन p स्क्वायर माइनस 24 अपॉन p क्यूब इंटू dp और y की वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 24 अपॉन p क्योंकि p की पावर ये माइनस 2 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं p की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है p की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस का हमारा प्लस बन गया और ये आ गया 24 अपॉन p। आगे 24 है और 1 अपॉन p क्यूब का इंटीग्रेशन होगा p की पावर माइनस 3 होगा ऊपर ले जाके और इसका इंटीग्रेशन होगा p की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1। माइनस 3 प्लस 1 होता है माइनस 2 तो नीचे आकर हो गया ये p स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 1 होगा 2 तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 24 अपॉन p प्लस 12 अपॉन p स्क्वायर प्लस c। तो अगर हम देखें हमारी x की वैल्यू आई थी 212 अपॉन p स्क्वायर प्लस 8 अपॉन p क्यूब और y की वैल्यू आ गई है 24 अपॉन p प्लस 12 अपॉन p स्क्वायर प्लस c। ये दोनों की दोनों हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y लैग्रेंजेस एंड क्लैरेट्स इक्वेशन। अगर हम हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है अगर वो हो हमारी एक्स वाई इक्वल टू एक्स फाइव वन पी प्लस फाइव टू पी तो हम इक्वेशन को कहेंगे कि ये इक्वेशन लैग्रेंजेस इक्वेशन है। अगर हम फाइव वन पी की जगह पी लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स पी प्लस फाइव टू पी। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर टू उसको हम कहेंगे क्लैरेट्स इक्वेशन। अगर हम पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये 5 1p आ गया प्लस एक्स एज इट इज क्योंकि x और 5 1p हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो x एज इट इज आ गया 5 1p का डेरिवेटिव होगा 5 1-p dp अपॉन dx और आगे 5 2p का डेरिवेटिव होगा 5 2-p और dp अपॉन dx। अगर हम dp dy अपॉन dx की जगह p लिखते हैं और टर्म्स को रीअरेंज करें तो हमारी पहली वाली टर्म को शिफ्ट करने से आ जाएगा p माइनस 5 1p इक्वल टू x 5 1-p प्लस 5 2-p क्योंकि हमारा लास्ट टू टर्म्स में dp अपॉन dx कॉमन है
तो इसका मतलब इसको रीअरेंज करने पर आ जाएगा x प्लस फाइव टू पी अपॉन डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम फाइव वन पी को p रख दें क्योंकि उधर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, p माइनस पी जीरो हो गया, और यहाँ पर इसको रखेंगे तो इसका मतलब या तो डी पी अपॉन डी एक्स जीरो होगा या फिर x प्लस फाइव टू डैश पी जीरो होगा। अगर हमारा डी पी अपॉन डी एक्स जीरो होता है तो इसका मतलब है डी पी हमारा जीरो आ गया, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डी पी का इंटीग्रेशन पी हो गया और सी हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी पी इक्वल टू सी पहली इक्वेशन से। और इसको अगर हम इक्वेशन टू में रखते हैं तो हमारा आ जाएगा वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस फाइव टू सी, एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ क्लेरियस इक्वेशन। अगर हम दूसरी इक्वेशन में p को एलिमिनेट करें तो हमारा आ जाएगा x प्लस फाइव टू डैश पी इक्वल टू जीरो एंड टू इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। इफ फाइव वन पी इज नॉट इक्वल टू p फॉर एनी p, देन वी ऑब्जर्व दैट dp अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, कहीं भी ये जीरो नहीं होगा। और अगर हम डिवाइड करें p माइनस फाइव वन पी इंटू dp अपॉन dx से तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन dp माइनस फाइव वन अपॉन पी माइनस फाइव वन पी एक्स इक्वल टू फाइव टू पी अपॉन पी माइनस फाइव वन पी, विच इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स एंड दस कैन बी सॉल्व बाय फॉर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ पी विच टुगेदर विद वन विल फॉर्म अ पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल सोल्यूशन ऑफ वन। एक और एग्जाम्पल है ये dy अपॉन डी एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डीवाई अपॉन डी एक्स। अगर हम डीवाई अपॉन डी एक्स को पी से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स पी इक्वल टू पी। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वाई की टर्म्स में आ जाएगा एक्स पी प्लस पी अपॉन पी माइनस वन। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आता है डी पी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि या तो डी पी अपॉन डी एक्स जीरो होगा या एक्स माइनस वन अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। अगर डी पी अपॉन डी एक्स जीरो होता है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा पी इक्वल टू सी। पी इक्वल टू सी को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट वाई माइनस सी एक्स इंटू सी माइनस वन इक्वल टू सी, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू यू सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है anitatmr@yahoo.com। धन्यवाद। धन्यवाद यू सर।